बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग जो टॉपिक है वो हमारा क्या है कि इम्पॉर्टेंट जितने भी हमारे पास ओस्पी के लिहाज से या वाइवा के लिहाज से ओरल मेडिसिन में जो पूछे जाते हैं वो जो है वो हमारे पास कौन कौन से पिक्चर्स हैं और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके बारे में वाइवा आता है और ओस्पी आती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ज़्यादातर ओस्पी आती है वो ओरल पैथ में भी आती है। जो हार्ट पैलेट की पिक्चर होती है उसके ऊपर हमारे पास रेड जो स्लाइवरी ग्लैंड जो है माइनस स्लाइवरी ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन हुई होती है और उसका बैकग्राउंड वाइट होता है हार्ट पैलेट पे, तो वो पिक्चर अमूमन आती है कॉसन से भी आती है या ओरल पैथ के बुक में से भी आती है ओरल पैथ के पेपर में। तो वो हमारे पास क्या है सोमेटाइटिस निकोटीना, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास सिजोग्रेन सिंड्रोम। सिजोग्रेन सिंड्रोम में अमूमन वाइवा आता है, ठीक है। उसके टाइप्स पूछे जाते हैं प्राइमरी और हमारे पास सेकेंडरी सिजोग्रेन सिंड्रोम, उसके बारे में पूछा जाता है। और मोस्टली इसमें जो पिक्चर आती है वो टंग की पिक्चर होती है जो ड्राई होती है, ठीक है, ड्राई ग्लेज टाइप रंगे उसकी अपेयरेंस होती है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ज़्यादातर हमारे पास जो ओस्पी स्टेशन आता है वो रेन्यूला के ऊपर भी आता है। रेन्यूला का जो पिक्चर आता है वो मोस्टली हमारे पास कौन सा है, जो हमारे पास टंग के अंडर नीट हमारे पास स्वेलिंग हुई होती है ब्लूइश टाइप की, ठीक है, उसमें ब्लूइश स्टेरिएशन होती है, ठीक है, रेन्यूला की वो पिक्चर आती है। उसके बाद हमारे पास ह्यूमर सेल कार्सिनोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, ओस्पी भी आती है और हमारे पास वाइवा भी आता है। वाइवा जो होता है वो मोस्टली ओरल पैथ के पेपर में आता है और जो ओस्पी का स्टेशन है वो हमारे पास ओरल मेडिसिन में आता है, ठीक है। और जो ओरल पैथ में है उसमें हमारे पास एस्ट्रोलॉजिकल पिक्चर उसकी इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे पास कैराटिन पर्ल बनता है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, उसकी पिक्चर जो आती है ओस्पी वगैरह में या वाइवा में रख दी जाती है और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ओस्पी के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, एक्टिनोमाइकोसिस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एक्टिनोमाइकोसिस क्या है, हमारे पास स्वेलिंग है जो कि हमारे पास एक्टिनोमाइकोसिस इज रियली की वजह से होता है एट द एंगल ऑफ माउथ पे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एट द एंगल ऑफ मैंडिबल सॉरी उस पर होता है हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास लुडविक एंजाइना, लुडविक एंजाइना अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, पेशेंट पिक्चर आती है ओस्पी में, उसमें कौन सी होती है, हमारे पास स्वेलिंग होती है नेक के साइड पे, ठीक है। उसकी कॉम्प्लिकेशन वगैरह पूछी जाती है कि पेशेंट जो होता है वो उसको डिफ़िकल्टी होती है ब्रीथिंग वगैरह में, ठीक है। लुडविक एंजाइना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइकन प्लैनिस इंपॉर्टेंट है। लाइकन प्लैनिस में से दो पिक्चर्स आ सकती हैं, या तो हमारे पास क्या होंगी, रेटिकुलर स्ट्रिएशन होगी जो हमारे पास माउथ में पाया जाता है, और दूसरा हमारे पास कौन सी पिक्चर आ सकती है, वाइकैम स्ट्रिया की आ सकती है जो कि हमारे पास रिस्ट पे होती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वाइट स्पून नेविस, इसका पूरा जो टॉपिक है वो हमारे पास अपलोड है चैनल पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, सोमेटाइटिस निकोटीना, इसकी भी पूरी वीडियो है, ये देख लें। फिर मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस है। मीडियन रोम्बॉइड ग्लोसाइटिस क्या होती है, हमारे पास टंग के डॉर्सम सरफेस पे क्या होता है, एक डायमंड टाइप शेप हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है या अपेरेंस आती है, जो हमारे पास क्या होती है, लॉस ऑफ फिलीफॉर्म पेपिला की वजह से होती है, ठीक है। पूरा टंग वाइट होगा, सिर्फ जो हमारे पास वो जो तिकोन टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी या डायमंड टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या होगी, वो रेड होगी, और वो हमारे पास क्यों होगी, क्योंकि लॉस ऑफ फिलीफॉर्म पैपिला होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास शिंगल्स की पिक्चर आती है। शिंगल्स की पिक्चर कौन सी होती है, जो हमारे पास पेशेंट होगा उसमें हमारे पास ज़्यादातर क्या होता है, हमारे पास बैक की पिक्चर आती है, उसमें क्या होता है, हमारे पास छोटे छोटे ब्रिस्टल टाइप के बने होते हैं, ठीक है। शिंगल्स की वो पिक्चर इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है बायोप्सी। बायोप्सी इंपॉर्टेंट है, उस पर वाइवा आ सकता है, बायोप्सी के टाइप्स वगैरह, उसमें कौन से नीडल्स यूज़ होते हैं, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है इसमें ओरल मेडिसिन में, अच्छा, हमारे पास थ्रश इंपॉर्टेंट है, या स्यूडोमेम्ब्रेनस कैंडिडोसिस जिसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओस्पी में ज़रूर आती है इसकी पिक्चर। एरिथ्रोप्लेकिया ल्यूकोप्लेकिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास किस में आते हैं, ये प्री मेलिग्नेंट लीजन्स में आते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, एरिथमा मल्टीफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिहाज से भी, ओस्पी के लिहाज से भी, ठीक है। इसमें क्या होती है, लिप की वो पिक्चर आती है जिसमें हमारे पास क्या होती है, क्रिस्टिंग होती है, ठीक है। अच्छा, और दूसरा हमारे पास क्या है,
लाइकन प्लैनिस इंपॉर्टेंट है, अगेन वो पहले भी डिस्कस, बैचेट डिजीज़ होती है, ठीक है। बैचेट डिजीज़ में वही हमारे पास क्या होगा, नोडोजम वगैरह जो हमारे पास बनते हैं वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पिक्चर है वो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है बैचेट डिजीज़ की। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास रिकरेंट एफथियस अल्सर इम्पॉर्टेंट है। रिकरेंट एफथियस अल्सर जो है वो हमारे पास जो माइनर रिकरेंट एफथियस अल्सर है वो ज़्यादातर ऑस्पी में पिक्चर आती है। वो क्या होती है, स्मॉल टाइप हमारे पास क्या होता है अल्सर पिक्चर आती है लिप के ऊपर, और हमारे पास मेजर की भी पिक्चर आ सकती है, और मेजर का क्या होगा, बड़ा सा वेजिकल होगा ऑन द लिप, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास एंगुलर सेलाइटिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एंगुलर सेलाइटिस में क्या होगा, पिक्चर आएगी लिप साइड पे हमारे पास जो होगा वो हम पास। नेक्स्ट हमारे पास बैक्टीरिया जो डिजीज़ है उसमें हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है, साइफेलिस इंपॉर्टेंट है। साइफेलिस में क्या होता है, साइफेलिस में हमारे पास टाइप्स पूछी जाएंगी कंजेनिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी साइफेलिस के बारे में, उसके ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह इसके बारे में पूछा जाएगा, और क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे हर एक के, ठीक है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन वगैरह। फिर आ जाता है हमारे पास एक्टिनोमाइकोसिस, जैसे हमने पीछे भी इसको डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, फिर ओरल पिगमेंटेशन वाले चैप्टर में क्या होगा, उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेलिनोमा और हमारे पास एमलगम टैटू, ठीक है। फिर अच्छा हमारे पास वाइवा के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो बेल पैल्सी है और फेशियल नर्व एग्जामिनेशन करवा देते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास टंग में अगर हम बात करें तो टंग के चैप्टर में हमारे पास क्या है, ग्लोसाइटस इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारे पास जियोग्राफिक टंग या हम। अच्छा, हमारे पास दूसरा हमारे पास क्या है, हमारे पास वायरल डिजीज़ की बात अगर हम करते हैं तो वायरल डिजीज़ में मीजल्स इंपॉर्टेंट है, मम्स इंपॉर्टेंट है, कपोसी सरकोमा इंपॉर्टेंट है, शिंगल्स वगैरह, चिकन पॉक्स, और हमारे पास दूसरा क्या है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस की हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन कराता है अगर वाइवा आता है तो, हमारे पास प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी प्राइमरी इन्फेक्शन जो होगा जिंजिवस स्टोमेटाइटिस कराएगा, और सेकेंडरी में हमारे पास हर्पीस लेबियलिस कराएगा, और इससे अलग से हमारे पास ऑस्पी स्टेशन आता है हर्पीस लेबियलिस का, ठीक है, वो सिर्फ अलग से हमारे पास पिक्चर होती है, या हमारे पास अलग से दूसरी पिक्चर इसी में आती है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस के टॉपिक में से, वो हमारे पास कौन सा होता है, हर्पेटिक विटलो होता है, जो हमारे पास क्या होता है फिंगर के ऊपर हमारे पास पिक्चर है, और हर्पीस से बी एल एस वाली लिप वाली पिक्चर हमारे पास मोस्टली ऑस्पीज वगैरह में आती है।